और ये किसान की जो शान है जिस पर हम बैठे हैं वो है ट्रैक्टर। और 26 जनवरी यानी कि कल किसान इसी ट्रैक्टर से परेड करेगा। और मेरे साथ मौजूद है राजा राम जी मील। सर, कल की क्या तैयारियां हैं? कल की ऐसी ऐतिहासिक तैयारी है और ऐसा यहां से जो परेड निकलेगी ये सारी दुनिया देखेगी और सब लोग अचंभे में रहेंगे कि शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर की जो परेड होगी जी 23 स्टेटों की परेड है जी जी 23 स्टेटों की परेड है और 23 ही झांकियां होगी हमारी ट्राली साथ जी ट्रालियों में झांकियां होगी स्टेट की और वॉलंटियर होंगे आगे हमारी गाड़ियां होगी जी मैन आदमियों की पीछे जो शहीद हुए जी उनकी वो झांकी होगी उसके पीछे स्टेटो चलने लगेगी जी और ये सारा मिला करके और ऐसी ऐतिहासिक चीज़ बनेगी कि आप देखते दंग हो जाओगे। कई सदियों तक इस बात को देखा जाएगा याद रखा जाएगा और इतिहास बनाएगी हमारी कल की जो परेड है वो। तो साहब, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी कल? अगर अब सरकार ने तो एक तरफ से तो मना ही कर दिया है कि आपको जो करना है वो करें, हम तो वापस नहीं लेंगे, अब आगे की किसानों की 26 जनवरी के बाद की क्या रणनीति है? 26 जनवरी के बाद भी रैली वैसे ही रहेगी, रेस ही है क्या? 26 जनवरी के बाद भी हमारा जो रैली है ये जो मंच है जी ये मंच हमारा चालू रहेगा जी, और जी। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होगा और चाहे कितना ही टाइम लगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बात मेरे को लग रही है हाँ। कि कल जो जी कल जो रैली होगी हिंदुस्तान में देश में प्रदेश में हाँ हाँ खाली देश की, ये दिल्ली के आर पार की नहीं है, इस खाली दिल्ली के आर पार की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में रैली निकलेगी और लोग देखेंगे, पूरे देश के अंदर गांव और ढाणियों में रैली निकलेगी और ये परेड ऐसी होगी हिंदुस्तान की और सब जगह की जो लोग देखते रह जाएंगे। और इससे घबरा करके मेरे को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार इसको कानून को तीनों को वापस लेगी, MSP कानून में देगी और किसानों का कर्जा माफ़ करेगी, जो हमारी तीन मांग है वो तीनों मांग मानेगी शायद इसकी, मेरे को लगता है कि तीनों मांग मांगने में वो मजबूर हो जाएंगे तो ये काम होगा और होके रहेगा। तो सरकार अभी लव लेटर का जो दौर है वो भी ख़त्म कर चुकी है, सरकार ने अपना रुख है वो स्पष्ट कर दिया है, तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से नहीं, क्या कर दिया सरकार ने तो अपनी बात साफ कर दी है कि वापिस नहीं लेंगे, तो अब आप क्या चाहते हैं उनसे? वो तीनों कानून है जो उनकी मांग को लेकर, नहीं तीन कानून आप स्पष्ट रद्द करवाना चाहते हैं? 100% तीनों कानून कैंसिल हो, MSP लागू हो, MSP कानून में आके लागू हो जी, और जो कर्जा किसानों को MSP की वजह से हुआ जी जी वो कर्जा हमारा माफ हो जी, कर्जा हमारा माफ हो, किसानों का पूरा कर्जा माफ हो, तीनों मांग पूरी मानने के बाद ही काम चलेगा, अदरवाइज ये काम चलने वाला नहीं है, ये मोर्चे उठने वाले नहीं है और ये ऐसे ही चलेंगे। ये मेरे को लगता है कि कल 26 के बाद में ये सरकार जो है हरियाणा की ये खट्टर जाएगा और उसके बाद बिहार भी जाएगा और इनको सब इनकी आँख खुल जाएगी, मालूम पड़ जाएगा ये बात चलने वाली नहीं है और ये इन्होंने नुकसान देश को बहुत किया, नोटबंदी करी देश को बर्बाद किया, लॉकडाउन किया देश को बर्बाद किया, 370 हटाई उसे देश को बहुत नुकसान हुआ, ये 370 और मंदिर का नाम राम मंदिर का नाम लेकर के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। राम इनका है क्या जी? राम खरीदा हुआ है क्या? राम सबका नहीं है क्या जी? हमारा सबका है राम। और 370 से क्या हो गया? और स्टेट बर्बाद कर दिया इन्होंने, स्टेट के अंदर क्या है अभी? कुछ भी नहीं है, स्टेट में जाम लगा हुआ है, मिलिट्री लगी हुई है, काम क्या हो रहे हैं वहाँ? कुछ हो तो रहा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है, देश का बहुत नुकसान किया। अब की बार इन्होंने मजदूर को मारा, मजदूर का टाइम 8 घंटे से 12 घंटा कर दिया जी। उनकी तनख्वाह और उनकी जो लेबर रेट है वो घटा दी, ये अडानी और अंबानी जैसे लोगों के साथ मिलकर के और ये कर दिया। तो मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से ये अब की बार हाँ। ये करते करते कानून कैंसिल करते करते
अब आगे फंस गए और ये फंस गए किसानों के मामले में। किसान और मजदूर पूरे देश का एक हो गया। अब आप आरएसएस छोड़ दो, बीजेपी छोड़ दो, इसके अलावा कोई इनके साथ कोई नहीं है। 70% किसान है, 15% तो मीडियम व्यापारी जो हैं बिजनेसमैन वो हमारे साथ है, 85% लोग एक साइड है, 15% लोग एक साइड है, तो इसके अंदर कुछ कोई होने वाला नहीं है। इनको आखिर ये 100 जूस भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे, ये मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ये कभी कर दें, आज कर दें, 26 के बाद में कर दें, उसके बाद में कर दें। हम तो यही हैं, जब तक मेरे को 40 दिन हो गए मैं यही हूँ। बिल्कुल, हम देख रहे हैं आपको 40 दिनों से आप यहाँ, और फिर भी यही रहेंगे जब तक ये कानून, तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP लागू नहीं होगी और ये कर्जा, टोटल कर्जा किसानों का माफ़ नहीं होगा। हमारे मोर्चे यही रहेंगे, हम यही रहेंगे, यही डटे हुए हैं। और कल की जो परेड है और वो ऐतिहासिक परेड आप देखोगे तो देख के दंग हो जाओगे। मैं सबसे अपील करता हूँ कि मेरी बात जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक सुन रहे हैं लोग, सारे आवें, आ करके हमारे शामिल हो, शामिल नहीं हो तो हमारी परेड को देखें। कल सरकारी परेड को कोई नहीं देखेगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी परेड का, किसानों की परेड, ट्रैक्टर ट्रालियों की परेड, गाड़ियों की परेड, किसान मतलब बाइक परेड, जो कल जो देखेंगे वो इतिहास बनेगा। आने वाले समय में बड़ा लंबा इसका इतिहास रहेगा, सदियों तक इस परेड को याद किया जाएगा। आप जैसे एंकर को भी याद रखेंगे कि हमारे दादाजी के नाना जी की फोटो ली थी, इंटरव्यू लिया, वो फलाना एंकर था, उसने इंटरव्यू लिया, तो ऐसे ये इतिहास बनेगा। इन बातों में मज़ा आएगा और आप देखना, बड़ी खुशी है लोगों में, बहुत राजी है लोग। हम भी अभी निकल गए यहाँ, जलेबी खा के आए, थोड़ी मन में आई, मैंने कहा जलेबी खा के आते हैं। बिल्कुल, क्या नहीं मिल रहा है यहाँ, सब कुछ मिल रहा है। जितने भी आदमी आ जाए उनका इंतजाम होता है, जितने भी आदमी आए उनका इंतजाम हो जाता है, रहने की जगह, खाने की, पीने की, सब काम होता है। ये देखो बांस ले रखे हैं, टेंट लगा रहे हैं, टेंट बनाए जा रहे हैं, टेंट बढ़ते जा रहे हैं, टेंट आगे भी चले गए, ठेठ पुलिया के ऊपर तक चले गए, पुलिया से ढलने लगे। तो ये थे हमारे साथ राजा राम जी, जिन्होंने बताया कि कल की क्या तैयारियां हैं और सरकार है वो किस तरीके से अपनी जिद पर अड़ी है। तो मोदी जी ये देश के अन्नदाता है, जो सरकार बनाना जानते हैं तो गिराना भी जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए DPK News। नमस्कार।